तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई सूर्य नमस्कार से। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं सबसे पहले उठ के सूर्य नमस्कार करती हूँ, इसके बाद ही अपने किचन का काम संभालती हूँ। तो देखिए सही से हो रहा है या नहीं, हेलो फ्रेंड्स, बताइए गुड आप। मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अलका स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे ब्लॉग मेरी दुनिया में। तो आज है संडे और आज हम सो के लेट उठे हैं। देखिए पूरा चेहरा भी मेरा सूजा हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों। इधर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो बस इन्हें लगा दिया है इनके काम पे। अब चलती हूँ मैं किचन में क्योंकि अब इन लोगों के लिए बनाना है नाश्ता। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैं हूँ अभी अभी किचन में और मैं दूध चढ़ा के गई थी, तो मेरा दूध अभी हो चुका है, मेरा दूध अभी गर्म हो चुका है। आज बच्चों की फरमाइश है मोमोज खाने हैं। भाई टाइम तो लगेगा लेकिन बनाऊंगी क्योंकि बच्चों ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बाकी दिन स्कूल होता है तो कुछ भी बनाओ हल्का फुल्का जल्दी से उन्हें दो, क्योंकि लेट हो गया तो पूरा दिन मिस होने वाला है, पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब। तो क्योंकि उनको पिछले संडे को भी स्कूल था तो वो उस दिन भी मैं कुछ नहीं बना पाई थी, तो इसलिए आज उनकी फरमाइश है कि मम्मी 2 हफ्ते हो गए हमने कुछ अच्छा नहीं खाया है तो आज मोमोज बनाइए। तो चलिए बनाते हैं फिर। अब मैं इसमें डाल दूंगी मैदा, बच्चों का मूड भी ना बनाना ही पड़े सोचते संडे को थोड़ी सी आराम मिल जाए, लेकिन आराम कहाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए इसको गूंथ के पहले इसको आटा को लगा के छोड़ देंगे। वैसे मोमोज की रेसिपी तो सबको पता है तो कुछ विशेष नहीं है, बस ये आज का हमारा नाश्ता बच्चों की फरमाइश। आटा लग गया, मैं इसको ढक के रख दूंगी और अब करूंगी सब्जी कटिंग। तो चलिए पत्ता गोभी काटते हैं। पहले मैं हाथ काटेंगे इसको चॉपर में, पहले इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे फिर इसको चॉपर में डाल के और अच्छे से काट लेंगे। एक बार में ज्यादा ज्यादा ना डालें अगर चॉपर छोटा है तो, वरना टूट भी सकता है। तो थोड़े थोड़े ही डाल के अब मेरा पूरा कट चुका है पत्ता गोभी। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। तो देखिए अब मैं इसमें का पानी निकाल दूंगी, ऐसे दबाने पे निकल जाएगा। तो अब मैं इसमें काट लूंगी थोड़े से, मिर्ची भूल गई थी मैं, तो मिर्चियों को काट लूं। मिर्ची भी कट गए, इसे मैं ही मिला दूँ।
तो अब मैं निकाल लूंगी इसमें का पानी, अच्छे से दबा दबा कर हमें निकालना होगा। अब इसको स्टोर करके रख दूंगी और जब सब्जी बनाऊंगी ना फिर उसमें इसको यूज कर लूंगी। चलिए फिर मैं चढ़ा लूंगी और इसको गरम होने दूंगी। हो रहा है हमारा पैन गरम, जल्दी से हो जा भाई, लेट हो रहा है, फटाफट हो जाओ, बनने में भी टाइम लगेगा इसको। ऑयल ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, लहसुन पक जाए अदरक पक जाए इतना ही थोड़ी सी डालना है। तेल को कर लेंगे अच्छे से गरम। तो हो गया है मेरा पैन गरम, मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक जो कटा हुआ था, अच्छे से पका लूंगी। तो ये हमारे लहसुन अदरक एकदम बढ़िया से पक गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए जो प्याज थे उनको, मेरे पास और वेजिटेबल्स नहीं थे, गाजर शिमला मिर्च सब खत्म, और गाजर तो यहाँ सीजन में नहीं मिलता है, तो अभी मिल नहीं रहा, बहुत कम, और वो भी बहुत अच्छा करना, ऑक्सीजन वाला अच्छा लगता ही नहीं। तो आज हम सिर्फ पत्ता गोभी के साथ ही बनाएंगे, हमें प्याज को ज्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी ना कटा हुआ पत्ता गोभी। किसी भी चीज को ज्यादा देर तक पकाना नहीं है, और एक चीज नमक आपको डालना है इसको ठंडा होने के बाद ही, नहीं तो और पानी छोड़ने लगेगा। वैसे तो मैंने पानी सारा निचोड़ के निकाल दिया था, लेकिन फिर भी नमक डालने के बाद पानी निकल आता है, तो नमक ठंडा होने के बाद ही मिलाए। इसमें थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़े ब्लैक पेपर, काम नहीं कर रहा दिमाग, थोड़ा गड़बड़ लेट हो गया, और ये थोड़ा सा सोया सॉस। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और अब ये मेरा हो गया है, क्योंकि ज्यादा देर हमें नहीं पकाना इसे, तो मैं गैस को कर दूंगी बंद। और ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है, वापस मैं थाली में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, फैला दूं इसे क्योंकि मुझे जल्दी, और तब तक मैं फिर आटे को वापस से एक बार अच्छे से हिला दूंगी। तो देखिए मेरा डो कितने अच्छे से तैयार है, अब बनाने की शुरुआत करते हैं। फाइनल मैं इसे मिला दूंगी नमक, नमक लास्ट में मिलाना है ठंडा होने के बाद, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगता है। तो मैं अब इसे अच्छे से, देखिए मेरा मोमो बन भी गया और ये खत्म भी होने वाला है। डिमांड पूरा अच्छा लगा, बड़ा मेहनत वाला डिमांड था भाई।